वोट देने से किया इनकार तो फोड़े घर के बर्तन, महिला से की छेड़छाड़, फरियादी पहुंचा एसपी के पास। रामबली पुत्र जगदीश कुशवाहा 30 वर्ष निवासी खजूरी थाना बदरवास ने एसपी को शिकायत में बताया कि 19 जून की सुबह 10 बजे की बात है, वह अपने घर पर था। मेरी पत्नी रानी कुशवाहा किचन में खाना बना रही थी, तभी कप्तान सिंह यादव एवं लल्लू यादव निवासी ग्राम शाहपुर थाना म्याना जिला गुना अपने रिश्तेदार जो कि ग्राम मैघोना बड़ा के यादव समाज के करीब 18 से 20 लोग थे, मेरे घर पर आ गए और कहने लगे कि तुम हमने रुपये ले लो और हमारे रिश्तेदारों को वोट देना। जब मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी और घर के बर्तन फोड़ दिए। मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की व उसका मंगल सूत्र एवं कान की बाली निकाल ले गए। इससे पहले भी उक्त लोग गाली गलौज कर चुके हैं। मामले को लेकर युवक ने कार्यवाही की मांग एसपी से की है। राम बली कुशवाहा, कहाँ रहते हो? छोटी खजूरी। कहाँ पड़ता है ये? बदरवास थाना के पास में पड़ता है, बदरवास थाना है। क्या समस्या लेके आए थे आप? समस्या साहब, ये बदरवास थाना में मैंने रिपोर्ट लगवाई थी, कुछ यादव लोग दबंग लोग मतलब मेरे घर पर आकर वोटों की मांग कर रहे हैं। मेरे घर परिवार में 20-25 वोट हैं और मैंने उनसे कहा कि वोट मेरी मर्जी से दूंगा, तो वे कहने लगा कि हमारे रिश्तेदारों को देना वोट और पैसे लो और वोट दो हमारे रिश्तेदारों को। इसी बात पर मैं घर पर, मेरे पैर में तो बहुत दिनों से, एक महीने से लगी है पैर में, पैर फ्रैक्चर है और मैं घर से बाहर के तक जाता ही नहीं हूँ। मेरी पत्नी खाना बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा फोड़ दिया, बर्तन फोड़ दिए, उसका गले का मंगल सूत्र और बाली भी ले गए और 18 से 20 लोग थे। कहाँ के थे ये? सायपुर के थे, कप्तान सिंह, लहुआ यादव और मैंगोना के, और भी अन्य लोग थे, उनको मैं पहचानता नहीं, मतलब जानते। वोट देने की बात कर रहे हैं तो किसी का नाम लिया था उन्होंने? नहीं, नाम नहीं लिया साहब, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत लोग खड़े हैं, मतलब जिला में भी खड़े हैं, पंचायत में भी, जनपद में भी, उन्होंने नाम नहीं लिया। तो क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ साहब, मेरी कार्रवाई बदरवास थाने में नहीं हुई और मैं एसपी ऑफिस पर आया हूँ कि श्रीमान जी से मेरा निवेदन है और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए साहब।